गुड इवनिंग प्रभात गीता फाउंडेशन और नवर स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स द्वारा आयोजित और श्री सुमन द्वारा प्रस्तुत कलम की 44वां कड़ी में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी लेखिका अतिथि है गीतांजलि श्री, आपको मंच पर आमंत्रित करते हैं। श्री के पांच उपन्यास नारी, हमारा शहर उस परस, रोहित, खाली जगह और रेत समाधि, पांच कहानी संग्रह अनुकुंजन वैराग्य मार्चमा और साकुना प्रतिनिधि कहानियां और यहाँ हाल के रहते हैं छप चुके हैं। इनकी रचनाओं के अनुवाद अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, जापानी, सर्बियन, बांग्ला, गुजराती, उर्दू इत्यादि में हुए हैं। इनका एक शोध संग्रह बिटवीन टू वर्ल्ड्स एंड इंटेलेक्चुअल बायोग्राफी ऑफ प्रेमचंद भी प्रकाशित हुआ है। ये लेख आदि अंग्रेजी में भी लिखती हैं मगर साहित्य हिंदी में लिखती हैं। यूरोप और अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों में इनकी पुस्तकें पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं। श्री खुद भी रीडिंग टूर और साहित्यिक गोष्ठियों के लिए जगह जगह जाती हैं। इनको कृष्ण बलदेव वैद्य पुरस्कार, हिंदू शर्मा कथा सम्मान, हिंदी अकादमी साहित्यकार सम्मान, द्विजदेव सम्मान के अलावा जापान फाउंडेशन, चार्ल्स वॉलेस ट्रस्ट, भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय, नॉन स्थित उच्च अध्ययन संस्थान तथा विला वॉलबर्टा जर्मनी के फेलोशिप मिले हुए हैं। ये स्कॉटलैंड, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, आइसलैंड और फ्रांस आदि में राइटर इन रेजिडेंसी भी रही हैं। गीतांजलि अपनी बारीकी संवेदना के साथ साथ एक हास्यपूर्ण अंदाज, अलग भाषाई देवर और शैली के नए प्रयोगों के लिए जानी जाती हैं। चाहे वो उनका पहला सरल सीधा दिखता उपन्यास मारी हो या अमूमतन लिए खाली जगह, रेत समाधि खास तौर पे सराहाया गया है और लीक से हटकर चलने वाली महागाथा है। गीतांजलि थिएटर के लिए भी लिखती हैं और विवादी नामक ग्रुप से जुड़ी हैं। दिल्ली स्थित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी इन्होंने नाटक तैयार किए हैं। इनकी कृतियां के भी एनएसडी रेपर्टोरी कंपनी व अन्य निर्देशकों ने नाट्य रूपांतर किए हैं। इनके द्वारा किए गए रूपांतरणों का मंचन देश विदेश में हुआ है। आज हमारा सौभाग्य है कि आप कलम के कलम पट्टा के मंच पर हमारे साथ हैं। वेलकम टू पटना। इससे बातचीत कर रही हैं पटना की भावना शेखर, आपको मंच पर आमंत्रित करते हैं। भावना पटना की जानी मानी लेखिका है और इनका कलम के कई श्रृंखला में भागीदारी रही है। वेलकम बोथ ऑफ यू टू द स्टेज ऑफ एक बेहद सहीन लेखिका से हम रूबरू हैं और उनसे गुफ्तगू करने जा रहे हैं गीतांजलि श्री। दोस्तों, जिंदगी में बड़े विचित्र संयोग होते हैं। कई बार हम किसी से पास रहकर भी मिल नहीं पाते और कई बार दूर रहकर भी नाता जुड़ जाता है। लगभग 5 वर्ष पहले मैंने गीतांजलि जी का उपन्यास माई पढ़ा और उनसे एक नाता जुड़ गया। और उससे बहुत पहले गीतांजलि जी को शायद नहीं पता, मैं अभी इस मंच से कहना चाहती हूँ, हम दोनों लेडी श्रीराम कॉलेज में साथ साथ थे लेकिन कभी मिल नहीं पाए। आप उससे मुश्किल से मुश्किल एक साथ साथ सीने रही होंगी और साहित्य ने आज इस मंच पर हमें जोड़ा और कलम को मैं इसका श्रेय देती हूँ, तो मेरे लिए निजी रूप से बहुत रोमांचक। सबसे पहले सीधा साइड छोटा सा सवाल दिल से निकलने वाला, पहले तो आपका कई दिल से स्वागत है, औपचारिक रूप से स्वागत, और अब बताइए कि आप पटना अगर आपको भी कैसा लगा है। मैं यहीं से अपनी बातचीत की शुरुआत करना चाहता हूँ।
सपना मैं नहीं जानती, सपना के बारे में सुनती रही हूँ और जरूर आना चाहती रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं भी आपके सवाल के साथ ही ये जोड़ूंगी कि बिल्कुल मेरे भीतर से ये आभार निकलता है कि मुझको ये मौका मिला है ब्रह्मा के वरदान फाउंडेशन ने, और सबके अलग अलग नाम नहीं ले पाऊंगी, माफ करिएगा, लेकिन जितने उनके कोलैबोरेटर्स और स्पॉन्सर्स हैं और अनिता जी जिन्होंने मुझे संपर्क किया और आप जो यहाँ बातचीत कर रही हूँ संगे सार में भी पढ़ती हैं, तो मैं आप सबको तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि मुझे ये मौका दिया कि मैं पढ़ना आऊँ। मैं उम्मीद करती हूँ ये एक शुरुआत है और मैं पटना आऊंगी और बार बार आऊंगी। मैं अपने लिए ये उम्मीद जरूर आप पिछले तीन दशकों से लिख रही हैं, लगभग 30 वर्षों से, और कल रात को मैं आपकी वो कहानी पढ़ रही थी, वो जो शायद मेरा ख्याल पहली कहानी प्राइवेट लाइफ पहली कहानी रही होगी, और उसमें कहानी में वो एक कॉलेज की लड़की है जो हॉस्टल छोड़कर एक बरसाती में रहती है और उसके चाचा चाची आते हैं और वो इस बात से अनभिज्ञ हैं और आके बहुत ज्यादा तल्ख वार्तालाप उनमें होता है और वो निर्णय सुनाती है कि बस मुझे ऐसे ही रहना है और वो किस तरह से राष्ट्रीय परंपराओं को तोड़ना या वर्जनाओं को लांघना एक विद्रोही मन, तो जो एक लेखक के लिए वो एक सृजन की मनोभूमि तैयार करता है, वो विद्रोह, एक विद्रोही भावना। तो आपके लेखक बनने की शुरुआत क्या कोई निजी ऐसा कोई वजह रही या कुछ शौकिया ही लेखन शुरू किया? बहुत संक्षिप्त में इसका उत्तर चाहूंगी क्योंकि आपकी रचनाओं पर हम लोग ये बातें करना चाहते हैं। आपने जैसे सवाल पूछा उसका संक्षिप्त में तो उत्तर मुझे नहीं लिखना, प्राइवेट आप कह रही हैं प्राइवेट लाइफ, आपने जब कहा कि 30 साल से मैं लिख रही हूँ ऐसे जो भी जितना भी, तो मुझे लगता है कि मैं तो बहुत बुजुर्ग लेखिका हूँ, पुरानी लेखिका हूँ, और असल में मैं जिस तरह से अभी भी लिखती हूँ मुझे लगता है मैं बहुत ही नई लेखक हूँ, अभी मैं सीख ही रही हूँ, हर बार बहुत ही स्ट्रगल भी करती हूँ, हर बार कुछ नया बनता है नहीं बनता है उस तरह से चलता है, तो मुझे तो मालूम भी नहीं कि मैं इतनी पुरानी लेखक हूँ। प्राइवेट लाइफ हाँ शायद पहली कहानी रही हो, कुछ उस समय 5-6 कहानियाँ लिखी थी और हंस में एक साथ बाली जी उस समय उसके संपादक थे, तो उन्होंने दिया था कि ये कहानी इन कहानी का है एक तरह से एक के बाद एक हर अंक में छापूंगा और नए लेखक को लॉन्च करेगा। तो अब उसमें से कौन सी बिल्कुल पहली थी क्रोनोलॉजिकली मुझे नहीं याद है, पर बेलपत्र कहानी और फाइल कहानी ये सब उसी दौर की है। मेरे ख्याल में जो शुरू में एक तरह की मासूमियत होती है लेखक में, वो लम्बा नहीं चढ़ता रचनात्मकता का उस तरह से, तो कभी कभी एक कोई टोन आता है उस लेखन में जो बहुत ही सादा और सीधा लगता है, और वो उसकी एक स्ट्रेंथ होती है, लेकिन वो जबरदस्ती नहीं आ सकता, वो उसके सहजपन हाँ सहज अपने को अभिव्यक्त करने की कोशिश नई उसमें अपने आप बन रहा है। तो प्राइवेट लाइफ उस दौर की है, तो शायद उसकी यही एक खूबी है, पर काफ़ी सीधी सपाट कहानी भी है। और मुझे लगता है कि जो विद्रोही आत्मा की आप बात कर रही हैं, विद्रोही आत्मा बहुत गहरे चली जाती है हमारे अंदर, हमारे भीतर का एक ऐसा हिस्सा हो जाती है, हमारी सांस लेने का ढंग उसमें होता है, और ज़रूरी नहीं है कि विद्रोह के ही रूप में निकले, जो शुरू की कहानी में लग सकता है बाद में वो एक दूसरे तरह से निकलता है, पर होता है हमेशा। ये तो उसके बाद फिर आपका सिलसिला चल निकला और हमने देखा कि साल दो साल के अंतराल पे आपकी पुस्तक आंखें नहीं प्रकाशन होता रहा, तो किताबें खाली जगह और रेत समाधि, मतलब इसके बीच में बहुत लंबा लगभग 4 साल और 7 साल का क्रमशः आपने समय लिया,
तो इसकी कोई लेखन रुक गया या जो बन रहा था उसको आप पका रहे थे, उसको उस पर कोई शोध हो रहा था, मनन हो रहा था, मंथन हो रहा था? शोध नहीं करूंगी। शोधकर्ता की तरह भी अभी रचनाओं की तरफ नहीं जाती, मगर हाँ रेत समाधि में मुझको सबसे ज्यादा वक्त लगा था। आप पता नहीं कितने साल आपने आपके शोध ने क्या बताया, सात साल तो जरूर। और मुझे ये मालूम है कि ये बहुत मैंने डूब के लिखा और इतना मैं ही शायद किसी तरह की समाधि में चली गई इतनी ज्यादा कि मैं खुद नहीं तोड़ सकती, लेकिन कुछ मेरे भीतर मुझे लगा कि बदल गया और अब मैं कैसे फिर से यहाँ से निकलूं और दुनिया से फिर से संपर्क बनाऊं, मुझे इस तरह की स्थिति में चली गई थी। और कुछ साल पहले रेत समाधि के मतलब उसके छपने के कुछ साल पहले मुझे लगा कि ये हो गई किताब में और फिर भी नहीं मानती थी कि मैं पूरी और दे सकती हूँ। और मुझे वो दो तीन साल इतने त्रस्त किया मुझे वो दो तीन साल में, जब मुझे मालूम है कि मेरे हाथ में ये पूरा उपन्यास है पर कोई चीज़ है इसमें भी जो बची हुई है, पता नहीं वो कैबर वाला हिस्सा था या क्या था कि इसको मुझे अभी करना है ठीक, तो मैं देती ही नहीं थी उसको, रचनात्मक तृप्ति नहीं मिल रही थी। और मुझे लगता था कि ये किताब कभी छपेगी नहीं, और कभी कभी मुझे लगता था कि जैसे आप लोग समझेंगे इसको कि प्रेगनेंसी का टर्म पूरा हो गया है लेकिन बस प्रसव नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है और मैं खाली होती जा रही हूँ, मैं बिल्कुल बीमार होती जा रही हूँ और डर मेरा बढ़ता जा रहा है कि अब क्या, अब तो कुछ गड़बड़ ही होगा। उस स्थिति में मैं बहुत दिनों तक तो बिल्कुल समाधि कैसे आ गई, आपने जैसे कहा समाधि की अवस्था पूरी तपस्या इस उपन्यास ने आपसे करवाई है। अगले प्रश्न से पहले मैं तिरोहित में आपने तिरोहित आपका जो एक उपन्यास है उसमें छत का वर्णन है और बड़ा जीवंत चित्रण है, अगर आप लोग मित्रों पढ़ेंगे देखेंगे गजब का, उसमें एक जिसको कहा जाए ना कि बिल्कुल एक चित्र आपके सामने खिंच जाएगा और वो एक चोर जो है ऊपर से खुले आंगन से पंखा चुराने के लिए कोशिश कर रहा है, फिर छत पे भगदड़ मचती है, उसी में वो कुछ स्वतंत्रता सेनानी भागम भाग उनकी जो दिखाई है, एक इस तरह के आपकी जो भाषा में जो खूबी है चित्रण करने की चित्रांकन की, और एक रेत समाधि की दो पंक्तियां मैं पढ़कर अपने मित्रों को यहाँ बताना चाहती हूँ। एक जगह लिखती हैं गीतांजलि जी, पेड़ के पीछे एक सुनहरी धार चमक रही थी मानो परमात्मा ने सूरज से हाथ मिले हों और उसमें से सूरज कुछ कुछ टपक पड़ा, कितना खूबसूरत ये बिंब है, बिंबांकन है। तो मुझे लग रहा है कि आपकी काफी सारी किताबों से गुजरी स्पीच, आपकी सभी किताबों में एक चीज बड़ी कॉमन पाई मैंने, भाषा और शिल्प, आपकी इसको सिग्नेचर ट्यून मान लीजिए या खुद को औरों और साहित्यकारों से विशिष्ट बनने के लिए एक फैक्टर है ये कि आपका तथ्य है कथानक जो हो लेकिन आपका जो शिल्प और भाषा है वो गजब की एकदम कहा जाए कि मास्टरपीस होती है। तो क्या ये आपका खुद एक सोचा समझा ये है कि मुझे शिल्प में औरों को पछाड़ना है, और मतलब क्योंकि शिल्प इतना ज्यादा वो अनोखा है, बहुत कम अभी आज के साहित्यकारों में देखने को मिलता है, तो आपका आपने अभी कहा कि मैं कौन सा हिस्सा पढ़ूं क्योंकि कथानक उसमें कम शिल्प ज्यादा है, तो शिल्प की ओर इतना ज्यादा आपका रुझान जो इस पर आप क्या कहेंगे? पहले तो इस पर कहूंगी कि औरों को पछाड़ने वाली कभी इस तरह अगर कोई सोच कर सबको पछाड़ सके वो नहीं हो सकता है, आपके आपके अपने सन एक जद्दोजहद चलते हैं। मैं समझती हूँ इसका भी मैं थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जवाब दूंगी, साहित्य शब्दों पे टिका है, हर हर कला की अपनी एक इंग्रेडिएंट उसका होता है, तो संगीत में अगर वो सुर है और चित्रकला में रंग है तो साहित्य में वो शब्द होता है। अक्सर लोग शब्दों को सिर्फ जरिया बना लेते हैं कथा के लिए,
और मुझे लगता है ये शब्दों के संग एक तरह से अन्याय है, गलत है, शब्दों की पूरी महिमा को ना समझने वाली बात है, क्योंकि शब्द और भाषा ये अपने में एक शख्सियत है। इस बात को मैं शायद और महसूस करती चली गई हूँ, और शब्दों के लिए और भाषा के लिए मेरे भीतर ऐसा प्रेम, ऐसा आदर बढ़ता चला गया है कि मेरे लिए कहन ज्यादा महत्वपूर्ण हो, ज्यादा है कि नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन वो कथन से कतई कम, कतई कम नहीं। इसी से जुड़ा लेकिन इसी प्रश्न को मैं आगे ले जाती हूँ कि आपकी ज्यादातर कहानियों में, उपन्यासों में भी जो पात्र हैं, स्त्री स्त्री हैं, वृद्ध हैं, मतलब एक आम मध्यम वर्ग से जो आम व्यक्ति है, औसत दर्जे का व्यक्ति, उसको आपने उठाया है। आप कहानी कहती है एक औसत व्यक्ति की, लेकिन हर कहानी में इसी शिल्प के चलते शायद कहीं ना कहीं दार्शनिकता आ जाती है। हर पेज पर चार बार वो दार्शनिक गुण है, कुछ रहस्य, कुछ सूफियाना एक अंदाज या तेवर। तो मुझे लगता है कि जो कहानी जिसके बारे में कही जा रही है, उन तक ये कहानी इस भाषा के और शिल्प के कलात्मकता के कारण कभी कभी प्रवाह में व्यवधान भी तो बनती है। जो एक औसत दिमाग का व्यक्ति है, जिसको बहुत ज्यादा भाषा का ज्ञान नहीं, साहित्य का ज्ञान नहीं, और लेकिन उसके चरित्र हैं उसमें, तो मुझे लगता है उस तक ये जाना चाहिए आपका जो भी तथ्य है, जो भी आपका साहित्य है। लेकिन कभी कभी लगता है समझ के प्रवाह में ये जो दार्शनिकता है ये अवरोध बन जाती है। तो ऐसे तो मुझे लग रहा है फिर कहा जा सकता है कि आपकी आपका साहित्य केवल एक बौद्धिक दृष्टि से संपन्न लोगों के लिए उस वर्ग तक ही रह जाएगा। तो इस बारे में आपको क्या कहना है? मैं बिल्कुल भी आपसे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये एक तो औसत व्यक्ति को किसी भी तरह से कमतर समझना है, ये हमारी भाषा की दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से हम लोग यही समझ, एक तरह से हम सोच लेते हैं कि विशेषज्ञों के लिए कुछ चीजें हैं और जो आम जनता है उसके लिए कुछ उससे ज्यादा हल्की चीज है। हम भूल जाते हैं हमारी ही परंपरा में, अभी किसी से मैं संगीत की बात कर रही थी तो इसलिए मैं संगीत से एक उदाहरण देती हूँ। हमारी परंपरा में ध्रुपद जो कि सबसे ज्यादा मुश्किल एक संगीत का क्या राग नहीं प्रकार है। ध्रुपद हवेली संगीत जो कि बिल्कुल आम भक्तों का संगीत मथुरा वृंदावन वगैरह में होता था कि वो तो मंदिरों में जाकर अपनी भक्ति कर रहे हैं, वहाँ हवेली संगीत बजता था जो कि ध्रुपद पे आधारित है और ये आम जनता पूरी तरह उसमें डूबी है। तो ये बात गलत है। अगर औसत इंसान को ये चीजें मुश्किल लग रही हैं तो कोई हमारे समाज में इस समय गड़बड़ हुई है, ये दोष हम दोनों की तरफ है। लेखक के लिए भी साहित्य एक साधना है, पाठक के लिए भी है। साहित्य कोई फौरी मनोरंजन वाली चीज है ही नहीं। फौरी मनोरंजन को आप हल्का मत करिए, हल्का तो है, दरकिनार मत करिए, उसकी भी जगह है हमारी जिंदगी में। हम जाते हैं, फिल्म देखते हैं, मजा लेते हैं, रो भी लेते हैं, हंस भी लेते हैं, भूल भी जाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा गंभीर आनंद भी होते हैं जिंदगी में, होने चाहिए, और वो समाज के संस्कार बनाते हैं, हमारी संस्कृति को समृद्ध करते हैं। ये बहुत सुंदर आपने बात कही कि संस्कार बनाते हैं। और ये मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये साधारण ही असाधारण अपने में समेटे हुए हैं, और जो बिल्कुल आपने कहा आम और औसतन इंसान आपने कहा, वही अपने में विशेष तरह की रुचि रखने वाली काबिलियत भी समेटे। ये बहुत सुंदर बात आपने कही, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आजकल जब बहुत हल्की चीजें परोसी जाती हैं तो कहा जाता है कि वैसा उच्च स्तर का पढ़ने वाले नहीं है। तो ये आपने बहुत एक जिम्मेदार साहित्यकार की भूमिका निभा रही है कि आपके इस तरह के लेखन से उन लोगों का रुचियों का परिष्कार होगा, उनकी भाषा का स्तर जो है वो सुसंस्कृत होगा, ये अच्छी बात है। तो रेत समाधि में हम देखते हैं आपने प्रकृति का भी बहुत मानवीयकरण किया है।
आपने उसमें तमाम झील है, पेड़ है, जीव जंतु हैं, और तो और जो बेजुबान चीजें हैं, जो मतलब कहा जाए लिविंग ऑब्जेक्ट्स नहीं है, पीठ है, दरवाजा है, बेजान चीजें, छड़ी है, घड़ी है, इसको भी एक किरदार के रूप में दिया है। ये बहुत ही खास चीज है और बड़ी खूबसूरत है, पढ़ते वक्त लगता ही नहीं है कि ये इस उपन्यास के किरदार नहीं है। तो ये भी आपने जो किया, तो इसका क्या समाज में आज प्रकृति के प्रति जो है वो एक कम संवेदनशीलता हो रही है, समाज के प्रति भी लोगों की संवेदना कुंद हो रही है, तो उस चीज को ध्यान में रख के किया, या कहानी की मांग थी, या ये आपका एक अपना अपनी शैली है? देखिए, सीख देने को तो नहीं मैं करती हूँ, मेरे अपने मेरे अपना एक अंदाज है, रुझान है, सोचने का ढंग है जो आगे बढ़ता रहा है। और मुझे ये लगा है कि हम अपने चारों ओर के चीजों को और जो जानदार चीजें हैं उनको एक बहुत एक हायरार्की में डाल देते हैं, जबकि सबकी अपनी एक जगह है। और शायद मैं जाने अनजाने जो हमारी पुरानी प्रज्ञा है उससे भी जोड़ रही हूँ, जहाँ पर कि मैन इज नॉट द मेजर ऑफ एवरीथिंग, जहाँ बराबरी है प्रकृति में, सबकी सबकी अपनी जगह है, सबकी अपनी इज्जत है। तो हम तो उस परंपरा के हैं, कहीं ना कहीं उसका भी असर मुझ पे रहा होगा, लेकिन मैं अपने को एनालाइज नहीं कर सकूंगी। मुझे अच्छा कहानी की भी मांग बनती चली गई हो, जैसे मुझे पीठ तो बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल, तो मुझे लगा कि दरवाजे दीवारें सुनती हैं ना, बिल्कुल दीवारें सुनती हैं, कहीं आप गुजरते हैं और किसी ने नहीं देखा, लेकिन पेड़ ने तो देखा आपको, पेड़ भी कुछ महसूस कर रहा है। ये चीज एक बनती भी चली गई और मुझे लगता है हाँ, ऐसे हैं चारों ओर विटनेसेस जो किस्से को आगे बढ़ाएंगे दुनिया में भी, इसीलिए किस्से कभी खत्म नहीं होंगे, भूले नहीं पड़े रह जाएंगे। और एक समाधि का ये बार बार ये बात उसमें आती है कि किस्से जो है खत्म नहीं होते, वो कहीं रेत में ही जैसे समाधि में चले जाते हैं, और फिर जरा सी हवा छिड़ती है और रेत उठती है और कहानी ऊपर आ जाती है। तो मेरे लिए ये सब एक तरह से गवाह हैं जो कहानी को मरने नहीं देंगे। बहुत एक और बात है कि आपके ज्यादातर जो पात्र हैं वो श्वेत या श्याम भी, श्वेत ही है या श्याम ही, ग्रे शेड ज्यादा दिखता है। जो आपका एक बड़ा अच्छा पात्र जा रहा है उसका भी कुछ नेगेटिविटी आप दिखाते हैं, तो मतलब मुझे लग रहा है कि एक होता है कि लेखक के सामने दो विकल्प होते हैं, एक तो होता है कि आप खुरदरे यथार्थ को दिखा के पाठकों को उत्प्रेरित करें, झिझोड़े उनको, एक होता है कि हम आदर्श पात्र प्रस्तुत करके हम उन्हें प्रेरित करें या एक आइडियोलॉजी पेश करें। तो गीतांजलि श्री ने इन दोनों में से कौन से विकल्प को चुना है अपनी रचना धरे का? मैंने नहीं चुना, उसी ने मुझे चुना। तो वो सॉरी, आपने क्या दूसरा, एक तो खुरदुरा यथार्थ, दूसरा और दूसरा एक होता है ना आदर्श प्रस्तुत करना, जैसे वो दूसरा कोई पात्र है वो 100% एकदम, वो तो मैंने आपसे कहा कि क्योंकि मैं सबक नहीं, कोई पाठ नहीं पढ़ा रही हूँ, सबक सिखाने के लिए नहीं लिख रही हूँ, तो इसलिए वो तो है ही नहीं सिरे से बात। खुरदुरा यथार्थ क्या है मैं नहीं जानती हूँ, यथार्थ क्या है, यथार्थ को लोग अक्सर समझते हैं कोई ऐसी साफ सपाट चीज कि आप एक कोने पे खड़े हुए और सब कुछ आपको दिख रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। इंसान की नियति ऐसी नहीं है, इंसान ऐसा नहीं है, वो असल में कहीं लाइट और शेड दोनों में ही कहीं वो खोया हुआ है, अपने को ढूंढ रहा है। और मैं समझती हूँ कि साहित्य, कला, हमारी सोच, ये सब हमको एक उत्प्रेरित करने के लिए है, सब कुछ साफ कर देने के लिए नहीं है। जैसे किसी एक मित्र ने कहा था किसी बात पर कि लिटरेचर इज नॉट अबाउट क्लैरिफिकेशन, लिटरेचर इज अबाउट कन्फाउंडिंग, इट्स नॉट अबाउट क्लैरिफाइंग, इट इज अबाउट कन्फाउंडिंग, कि उसको आपको
सब चीज उसने आपको जवाब दे दिए, खत्म, वो नहीं है। आप बंद नहीं कर सकते लिटरेचर, कोई चीज छेड़ दे कि आपको चुप होकर बैठ जाना पड़े, सोचना पड़े कि क्या मुझे फिर से सोचना पड़ रहा है, किसी एक नई जगह को आपके भीतर खोले कि आप थोड़ा, आपको अपने पे भी संशय हो जाए, अपनी सोच में भी संशय हो जाए, तब साहित्य ने अपना काम किया है। और मैं यही, फिर ये सोच कर नहीं है कि भाई मुझे ये चीज बतानी है लोगों को, लेकिन इसी तरह है जो इसको हम सत्य समझते हैं या दुनिया समझते हैं, ये कहां वो काले सफेद में है ही नहीं। तो मैं कोई अनोखी चीज नहीं कर रही हूँ, है ही नहीं काले सफेद। ये सही बात है, लेकिन मुझे आपकी बेलपत्र कहानी याद आ रही है जो आपने कहा ना, उसमें ओम और फातिमा दो चरित्र हैं, हिंदू मुस्लिम, और सांप्रदायिक दीवारों को तोड़ के दोनों प्रेम विवाह करते हैं, और कहानी एक बड़ी, मतलब दोनों पात्र एक बड़े विजेता की तरह समाज के सामने साबित होते हैं, लेकिन फिर रोज की, रोजमर्रा की जिंदगी की चुनौतियों में जूझते हुए वो ट्रेजिक एंडिंग है उसका। तो मैं यहाँ पर आपकी इस बात से जोड़ना चाह रही हूँ, कभी कभी पाठक को भी साहित्य से एक दिलासा चाहिए, एक ऑप्टिमिज्म चाहिए। तो आप यहाँ पर, मुझे निजी तौर पे लगा इसकी हैप्पी एंडिंग कर दी होती तो जो हमारे समाज में इस तरह का कदम उठाने वाले जो जुड़े हैं उन्हें थोड़ा बल मिलता, पर यहाँ आपने भी यथार्थ दिखाया आदर्श की, जो अक्सर होता है। तो देखिए मैं ये कहूंगी कि दिलासा सिर्फ हैप्पी एंडिंग से ही आपको मिलेगा, आपको अगर कोई रास्ता या दिशा दिखने लगे, तो अगर बेलपत्र भी ये बात खुलकर आई है कि सिर्फ चेतन मन से किसी आदर्श को पाल लेने से बात नहीं बन जाती है। हमारे चारों ओर लोग बराबरी की बात करते रहते हैं, लेकिन बराबरी उनमें कहीं भी नहीं है, तो वो कहने से कुछ नहीं होता है। तो इन दोनों ने जो इसके दो पात्र हैं वो कुछ चीजें मानते हैं और उस तरह से जीना चाहते हैं, लेकिन वो तो गहरे में उनके अंदर दूसरी बातें भी छिपी हुई हैं जिससे वो खुद भी रूबरू नहीं हुए हैं, और जीवन उनको करता है मतलब उन्हें मिलता है, और वो आपको वो एक तरह की ट्रैजिक एंडिंग लगती है। लेकिन इसको आप दूसरे ढंग से देख सकती हैं कि ये एक चेतावनी है कि सिर्फ नारा लगा लेने से या आदर्श पाल लेने से बात नहीं बदल जाए आपको, हाँ, और आपको वही अपने प्रति संशय भी होना पड़ेगा आपने, और आपको अपने को देखना भी पड़ेगा कि हम कर रहे हैं, हम कह रहे हैं लेकिन हम कर भी रहे हैं कि नहीं। तो मैं कहूंगी कि मैं कोई जरूरी नहीं है कि आप इससे ऐसी निराशा पाओगे, ये तो आपको एक तरह से चौकन्ना कर दे कि इतना काफी नहीं है, आपको देखना है कि हम उस तरह से रह रहे हैं कि नहीं। हमने हिंदू मुस्लिम विवाह कर लिया लेकिन हम एक दूसरे के प्रति क्या वाकई आदर का भाव है, वो संवेदना है, इस बात के हमें हमेशा परखना पड़ेगा, एक दोबारा सोच सके ताकि पुनर्मंथन कर सके। उपन्यास वृद्ध समाधि में वृद्ध विमर्श और स्त्री विमर्श तो है ही, बड़ा बृहद इसका, बड़ा विराट है इसका फलक आपकी कल्पना का और इस उपन्यास का, 375 शब्द पृष्ठों का ये उपन्यास है, और इसमें एक बड़ा खूबसूरत पात्र आता है रोजी। थर्ड जेंडर विमर्श को भी लेकर ये उपन्यास आगे बढ़ता है, और इसमें और भी बहुत सारे उदाहरण है, नैना साहनी और जेसिका लाल हत्याकांड का जिक्र है, गौ हत्या का भी जिक्र है। तो ये सारे जो जितने भी संदर्भ हैं ये आपकी कहानी में आने ही थे, या मतलब कहानी की मांग थी या समय की मांग, एक लेखक अपने समय की बात करता है, तो ये भी बात है ना कि बार बार आप ये कह चुकी हैं कि मैं कुछ भी सिद्ध नहीं करना चाहती, कुछ भी मैं इंटेंशनली नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी ये सारे प्रसंग जो इसमें आए हैं तो कहीं ना कहीं सामाजिक चेतना को भी आप यहाँ पर मतलब दिखाना चाह रही है कि भाई समाज में जो हो रहा है इस समय का समाज, तो कहानी में ये सब ना होता तो क्या कहानी नहीं पढ़ती, ये सब देने का आपका मकसद? कोई मकसद नहीं, और कहानी बढ़ती ही नहीं वो भी मैं नहीं जानती, और किसी तरह से मैं ये भी मैं नहीं जानती, मैं ये जानती हूँ जो मैं पहले कह चुकी हूँ आपसे कि इस तरह के भेद मैं नहीं मानती हूँ साधारण असाधारण, मुझे लगता है ये एक ही चीज के दोनों पहलू हैं, साधारण में ही असाधारण में, हाँ व्यक्ति में ही समाज है। तो इसलिए जो लोग कहते हैं नहीं ये तो इन्होंने तो
ये तो व्यक्तिवाद मानने वाले हैं और इनको तो सामाजिक होने की जरूरत है, ये बकवास है। मैं जब अपने को बहुत ही निजी तौर पे भी व्यक्त कर रही हूँ तो समाज मुझ में से बोल रहा है, तो ये चीज तो मुझे ये कभी इसने परेशान नहीं किया। और जब मैं लिखती हूँ तो मैं शायद बहुत ही निजी और बहुत ही पास की ही किसी चीज, पीठ आपने तो पढ़ा है, जो एक बूढ़ी औरत परिवार में है उसकी पीठ उसने अपने परिवार की तरफ पीठ कर ली है और लगता है कि अब वो जीवन से बेजार है और वो मर जाना चाहती है। तो ये तो घर परिवार का एक छोटा सा दृश्य है, यहाँ से ही मैं शुरू करती हूँ और मैं कोशिश भी नहीं कर रही हूँ कि मुझे बहुत ही विशाल कुछ महाकाव्य लिखना है, मेरी बिल्कुल ऐसी कोई कोशिश नहीं है। राजनीति तरह तरह से इसमें आ जानी है, मेरी ऐसी कोई कोशिश नहीं है। मैं तो ये छोटे से चीज को, एक निजी पात्र को, पारिवारिक जीवन को देख रही हूँ और उसको थोड़ा उसके पीछे पीछे चल रही हूँ। बात ये होती है कि जो ये रोजमर्रा है, जो रोजमर्रा के तत्व हैं, उन्हीं के आपस के करार तकरार में इतिहास, समाज, सब कुछ, बड़ी बड़ी राजनीति सब उसमें आती है। और आपको मालूम है ये समाधि में ये बार बार आया है कि ये परिवार में ही पूरा महाभारत है, परिवार में पूरा समाज है, परिवार में पूरी दुनिया है। तो इस छोटे को ही आगे बढ़ाती हूँ, मेरी जिज्ञासा उसको आगे बढ़ाती चलती है और उसमें अगंतर कथाएं सब आते जाते हैं और समाज और राजनीति भी आ जाती है। आपकी कहानियों में अक्सर एक नैरेटर होता है, मैं यानी उत्तम पुरुष का प्रयोग करने वाला एक पात्र। खाली जगह उपन्यास में वो बच्चा है जो बॉम्ब ब्लास्ट में, बम धमाके में बच जाता है, मैं कह के वो बात कर रहा है। तिरोहित में वो भतीजा है जो चाचा ललना और चच्चो की कहानी का ये है, और माई में तो खैर वो बहनी है जो बनी। तो ये भी आपका कुछ विशेष प्रयोग है कि उसमें मैं, क्योंकि बहुत सारी ज्यादातर में नहीं भी होता है, तो या फिर कहीं ना कहीं, फिर मैं आपके थोड़ा कुरेदना चाह रही हूँ, कहीं ना कहीं आप स्वयं एक पात्र के रूप में वहां पर अपनी जीवन तो उपस्थिति दर्ज कराना चाहती हैं, खुद को रोक नहीं पाती हैं। क्योंकि मैं करके प्रायः अगर मैं जा रही थी तो अक्सर अगर ऐसे लिखा जाए तो लोग सोचते हैं ये लेखिका का अपना कहीं ना कहीं इसमें अक्स है। अगर एक लेखिका लिखती मैं जा रहा था तो शायद नहीं होगा, लेकिन आपके बहुत सारे पात्रों में जैसे इसमें बहन है, तो इसके पीछे क्या आपका मतलब इंटेंशन रहा या आपकी क्या सोच था आपका? मैं अक्सर रहता है कोई शब्दगत विशेषता है, शायद आप लोग बेहतर इसको बता पाएंगे, लेकिन आपने खुद कहा कि उसमें बहन है पर दूसरे दो में तो लड़के हैं। हाँ, तो अक्सर आप कोई चीज कहते हैं तो कोई एक पॉइंट ऑफ व्यू बनता है ना, तो आप कहाँ से देख रहे हैं, आप किस जगह खड़े होकर कौन सी चीजों को चुनकर आप किस्से को पेश कर रहे हैं। जब आपको आपकी माई पढ़ के तो मुझे लगा है जो पहली बार पढ़ेगा उसको पक्का ही 100% ये होगा कि ये आपकी अपनी कहानी है, इतना उसमें मतलब ऐसा एक टोन उसमें बहुत ज्यादा है, प्रबल है। मेरी कहानी हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, समाज बिल्कुल, अगर वो मेरी भी कहानी है तो मेरी अकेले की कहानी नहीं, तो मेरे लिए इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और दूसरी चीज है, हम लोग को शायद ये बात बहुत आसानी से समझ में आएगी कि हम सब बहुत सी चीजों से बने हैं, हमारी दृष्टि बहुत सी चीजों से बनी है, कि मैं भी बहुत सी चीजों से बना है, तो इसलिए किसी भी कृति में वो बहुत से लोग होते हैं, वो लेखक ही नहीं होते, बहुत से लोग होते हैं। एक मेरी अपनी माँ भी होती है, देखी हुई माँ भी होती है, अनुभूतियां होती हैं बिल्कुल, तो वो मेरी भी हो सकती है, दूसरों की भी हो सकती है। और फिक्शन वो इसलिए है कि मैं उसके संग लिबर्टी लेती हूँ और उसको मैं किसी भी तरह से तोड़ती हूँ, वरना मैं उसको नॉन फिक्शन में। वो कहानी वो पढ़ के तो मुझे लगा जैसे मेरी माँ की कहानी है, तो बस आप कमरे में सबको लगेगा कि बिल्कुल सबको आप कह रही है इसमें मैं माफ करेगा, ये आपने नहीं पूछा लेकिन मैं बता रहा हूँ
कि जब पहली बार माई का तर्जुमा हुआ विदेश में और मुझे बुलाया गया पश्चिम में, उस पर गोष्ठी हुई तो, और मुझे किसी ने लिखा था कि हमने माई पढ़ ली, हम उसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं, और वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। तो मैंने यही सोचा कि उनको एक दूर सात समुंदर पार एक दूसरी तरह का समाज, दूसरे तरह का परिवार, उसके लिए खान पान और रहन सहन उस सब को देख कर बड़ा मज़ा आ रहा है, तो उसको वो ट्रांसलेट करना चाहते हैं। यही सोच कर मैं गई कि वो मुझे एक अजीब तरह का जानवर दूसरे मुल्क से आ रहा है उसको देखना चाहते हैं। जो बातें हुई हैं वहाँ पर, उसमें इन देशों के लोग से बोले कि माई, मेरी माँ माई है, मैं माई हूँ, ये सब विदेशी लोग हैं ऐसे कहा। और एक बार लगभग मुझको ही रोना आ गया, जर्मनी में जगह जगह उसका तर्जुमा हुआ और आयोजन जगह जगह थे, तो हर बार कोई एक अलग हाँ मेरे संग बैठते बात चली हुई जिनसे मैं पहले कभी नहीं। तो आयोजन के पहले 5-10 मिनट हमारे पास थे, वो माई जो पढ़ने जा रहे थे और जो जर्मन इंटरप्रिटेशन करने के लिए बैठे हुए थे कि जब लोगों से बातचीत हो तो वो मुझे बताएंगे कि वो क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको आई वॉन्ट टू थैंक यू, मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आपने ये पुस्तक लिखी। इसको पढ़ने के बाद मैंने अपनी माँ की इज्जत करनी शुरू कर। कहने लगे कोई तो आप उसको सीमित कर देते हैं, ये तो लगता है दुनिया भर की माँओं की कहानी बनते हैं। ये बहुत सुंदर अनुगूंज आपका रचना, अनुगूंज जो है दुनिया की कहानी है। मुझे याद है बहुत पहले अकेले की रोज पढ़ी थी गैंग्री की कहानी, मुझे लगता है लगभग मिलती जुलती कुछ चीजें बेसिक चीजें मिलती हैं, गरीब स्त्रियाँ बंद कमरे में बंद रहती हैं जो, या ड्राइंग की शोभा होती है घर की जिम्मेदारियाँ संभालती हैं, बस उनके भीतर क्या चल रहा है ज़्यादातर नज़रअंदाज किया जाता रहा सदियों से। तो लेकिन मुनिया जो है वो रोज से बहुत आगे है, उसके भीतर का जो एक विचरण है जो फैंटेसी है वो आपने बखूबी दर्शाई है। अगे की रोज वैसी नहीं थी, वो सांस नहीं कर पाई। तो आपको क्या लग रहा है कि मध्यम वर्गीय जो थके की स्त्री जो सदियों से थी वो अब क्या बदलाव की यात्रा में कुछ खुल रही है? आप एक लेखिका की दृष्टि से आपको क्या लगता है समाज में आज की जो स्त्री है वो सचमुच अगे के जमाने से अभी भी उतनी ही बंद है या सही मायनों में खुल रही है? भले ही वो पढ़ रही है लिख रही है फैशनेबल कपड़े पहन रही है लेकिन अंदर का जो सोच है क्या उसको कुछ आजादी मिल पाई है? रोज से मुनिया तक का आप एक अगर कंपेयर करें। देखिए मैं इसको कोई एक सीधी लिनियर प्रोग्रेसिव यात्रा नहीं मानती कि आप कहें कि तब वो दबी हुई, बल्कि माई जो पूरा उपन्यास हाँ, वो इसी के बारे में माई भी तो उस पर कि ये नहीं है कि उस पीढ़ी की औरत तो दबी हुई और अपना अपने लिए कुछ सोचती नहीं थी और सब उसको सब के सब जो है उसका शोषण करते थे, ऐसा नहीं था। और आज की औरत जो देखने में जैसे आपने कहा कि ज़्यादा आबाद लगती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि उससे एक कदम आगे बढ़े, हो सकता है पीछे भी चले। तो ये चीज़ इस यात्रा ऐसे नहीं है कि वहाँ पीछे थे और आगे थे, और इसके तो मैं बहुत ही सख्ती से इसके खिलाफ बोलूँगी क्योंकि पूरे पश्चिम में, क्योंकि इत्तेफाक से मेरा काफ़ी उनके साथ अनुभव रहा है जो बता रही हूँ, पूरे पश्चिम में बड़ी आसानी से वो मान लेते हैं कि अच्छा आप वहाँ हैं जहाँ हम उतने साल पहले थे और आप भी हमारी ही तरफ बढ़ रहे हैं, एक माने में हम बढ़ रहे हैं, जो हम विकास की हमारी परिकल्पना है वही है, उनको भी अमेरिका ही बनाना चाहती है। और जहाँ तक ऐसे मुद्दों का सवाल है नारी क्या थी और क्या होती जा रही है, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी सीधी एक यात्रा है। इसमें अलग अलग चीज़ें हैं, हर समाज के अलग चीज़ें हैं जिसको नारी अपने ढंग से उनको तोड़ती मरोड़ती है और उनमें से रास्ते निकालती है।
और कुछ माने में पहले की औरत मेरी माँ और मेरी नानी दादी की पीढ़ी कुछ माने में कुछ खास वर्गों में ज्यादा शक्तिशाली और पश्चिम की बहुत दबंग दिखती औरत बहुत जल्दी अपने को पाती है कि वो अकेली रह गई बुढ़ापा उसको एक तरह से समाज में बेकार बनाता है वगैरह 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 तो ये चीज मैं नहीं मानती पर किसी और स्तर पे आपको ये कहना पड़ेगा कि सिर्फ औरत नहीं डेमोक्रेसी के बढ़ते ऐसा हुआ है कि बहुत से लोग कमजोर नहीं कमजोर थे एक माने में कमजोर थे पॉलिटिकल तौर पे इकोनॉमिक तौर पे मेन स्ट्रीम वो मुख्य धारा में नहीं थे उस तौर पे कमजोर थे लेकिन अपने जगहों में वो उनके दूसरी तरह की सुरक्षित थे हाँ आपसी साधन थी जो हुआ है वो ये है कि बहुत से लोग जो छिपे दबे पीछे थे वो मुख्य धारा में आए हैं औरतें भी आई हैं इसीलिए लिख रही हैं नाटक कर रही हैं जो स्टेज पे मंच पर आ गई हैं वो चीज जरूर हुई है वो फर्क पुरानी पीढ़ी से आज जरूर हुआ है माई जो है वो उसके बच्चे दोनों माँ को मुक्त कराना चाहते हैं उनके लिए वो बेचारी अबला नारी है लेकिन जैसे आपने कहा वो भीतर से जो उसकी शक्तिशाली रज्जो है माँ में उसको वो नहीं पहचान पाते रज्जो में भी मतलब वो एक प्रकार से आग थी एक दबी हुई आग लेकिन रेत समाधि तक आते आते वो मुखर हो गई है आग रेत समाधि चूंकि अभी हमारे सब दर्शक यहाँ बैठे हैं इतना खूबसूरत ये नॉवल है थोड़ा सा मैं आपकी इजाजत दो सबकी सुविधा के लिए दादी है जो दादा की मृत्यु के बाद जैसे कहा अभी गीतांजलि जी ने वो पीठ फेर लेती है जमाने से परिवार से खुशियों से और जीने से और सब उसको कहते हैं कि दादी तुम लौट आओ माँ तुम लौट आओ संयुक्त परिवार है वो कहती है मैंने नहीं आना मैंने नहीं आना मैंने नहीं आना करते करते फिर कहती है मैंने नहीं आना उसका नहीं जो है वो नहीं बन जाता है नहीं मींस न्यू और वो नहीं बनकर लौटती है और दादी अब अपने बचपन अपने कैशोर्य अपने अल्हड़पन अपनी जितनी अधूरी इच्छाएं थी उनको लेकर बीड़ा उठाती है कि अब मुझे इनको पूरा करना है इट्स अ ब्यूटीफुल नॉवल सुंदर ये प्रसंग आपके कल्पना के बिल्कुल जगत से कहां से बन के आया है तो हम यही कहेंगे कि उसने जैसे एक बंद सोच की सरहद को लांघ दिया दादी ने तो ये आपने जो दिया है तो इसमें इस पर आप इसकी इसके शीर्षक पर मैं चाहूंगी आप खुद कुछ कहें मैं तो बहुत कुछ समझी पढ़ने से लेकिन हमारे दर्शकों के लिए क्योंकि रेत जैसे कहा रेत समाधि और रेत जो है वो उस तरह के खालीपन का जरूर प्रतीक है अब आपने रेत समाधि नाम क्यों रखा क्योंकि इसकी कहानी तो बृहद है बहुत विराट है इसका मैं चाहूंगी शीर्षक आप अपने ढंग से एक्सप्लेन करें मैं शीर्षक कभी शुरू में नहीं तय करती वो लिखने की प्रक्रिया में जैसे जैसे बात बढ़ती है जैसे जैसे रचना आगे जाती है उसी में से कोई चीज़ बनने लगती है और ये रेत और समाधि इसमें बहुत से प्रसंगों में और एक आपने भी बता दिया औरत और रेत बहुत सी चीज़ें जो मैंने सोची भी नहीं थी वो पर आते रहती है रेत वो जब वो एक और बॉर्डर इसमें आता है हिंदुस्तान पाकिस्तान सरहद जो सरहद हाँ तो उसमें भी वो अब जो उधर से इधर उसको भागकर आना पड़ा था तो वो रेगिस्तान से आई थी तो एक तरह से वो भी रेत में डूबती हुई और डूबी गई थी उसमें वहाँ भी एक रेत का संदर्भ आता है फिर जो इससे पहले मैंने कहा था कि कहाँ से ये बात बनी मैं नहीं जानती हूँ पर ये माँ के अंदर जो सबको लग रहा था कि ये पति गुजर गए तो अब ये भी बस ख़त्म ही हो जाना चाहती है इसको किसी चीज़ में अब रुचि नहीं रह गई है माँ के अंदर भी रेत है लेकिन उस रेत में कुछ छिपा हुआ जिंदा है कुछ चिंगारी है कोई कीड़ा है जो रेंगता है और
हवा पाता है, रेंगता है, क्या होता है, रेंगता है, और रेंगता है तो रेत छिड़ जाती है तो दरार बन जाती है, दरार बन जाती है तो हवा घुस जाती है, सांस लौट आती है और कुछ धीरे धीरे निकलती जाती है। तो रेत के बहुत से संदर्भ इसमें आते चले गए, बहुत ही सहज तरह से लिखने की उस प्रक्रिया में, तो अपने आप ही होना मुझे सही लगने लगा कि ये तो रेत समान। मुझे तो लगता है जैसे स्त्री है उसके भीतर की जितनी आकांक्षाएं या अतृप्त इच्छाएं हैं वो जैसे किसी रेत में दबा देती है, एक रेत की समाधि है, ईंट पत्थर और गाय की समाधि नहीं है जहाँ चीजें मर जाए, और फिर जिंदगी के ऐसी कुछ घटनाएं घटती हैं, ऐसे कुछ मकाम आते हैं जब वो रेत आंधी आती है भक्ति और वो रेत उड़ जाती है और वो इच्छाएं फिर से खड़ी हो जाती है, जैसे दादा फिर से वो अपने बचपन की ओर लौटी। तो मुझे लगा इस पर बातें तो बहुत आपसे करने की, हमारा शहर उस बरस खाली जगह रेत समाधि सब में अपने सांप्रदायिक तंगों का भी जिक्र किया है, विभाजन की त्रासदी को बहुत सारे सरोकार आपने दिखाए हैं। तो आपकी मुझे लग रहा है अन्विता जी कितना समय है नहीं तो हमें आपसे कुछ सुनना भी है, एक अपनी ओर से अंतिम प्रश्न लूं है, भावी योजना आपकी अभी फिलहाल के लिए या इस हैंगओवर से अभी नहीं निकली है पर हम चाहते हैं निकलिए और बचिए और हम लोग आपकी कुछ नए उसकी बहुत शिद्दत से हम इंतजार कर रहे हैं कि आप क्या आपके आपके बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगी कि आप जैसे मेरे पार्टनर हों तभी तेरा लिखना और सार्थक। तो ये मुझे काफी वक्त लगा भी रेत समाधि के उस डूबन से निकलने में, और ये भी मुझे लगा कि पता नहीं अब मैं कुछ कर भी पाऊंगी, पर कुछ लोगों ने जिन्होंने पढ़ा रेत समाधि उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि अब है क्या तुम्हारे पास लिखने, तो जैसे कि खत्म हो गया, खत्म ही हो गई जो कुछ करना था कर लिया। तो फिर पर कुछ बहुत ही अजीब चीज़ है कि रेत समाधि ने 7 साल लगाए और अभी मुझे एक रेजिडेंसी बुलाया गया था एक जगह पे और मैं 3 महीने अकेले अपना रही, बिल्कुल जंगल के जंगल में बिल्कुल अकेले, तब आप लोग सोच ही सकते हो जिसमें कि मैं वक्त को बढ़ते देख सकती हूँ, इस तरह का बड़ा अजीब ही वो माहौल था। तो वहाँ पे मैंने लिखना शुरू किया और एक ड्राफ्ट इत्तेफाक से और पहली बार शायद जिंदगी में 3 महीने में मेरा एक नया उपन्यास का एक ड्राफ्ट क्या मैंने तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। अब हम चाहेंगे एक हमारा क्वेश्चन आंसर राउंड यहाँ पे थोड़ा सा, हमारे बहुत सारे पहले 20 सुन लिया जाए या पहले प्रश्न उत्तर 20 पहले आप एक पीस कोई भी अपनी पसंद का और या दो छोटे छोटे एक शिल्प का नजारा हो जाए आपके खूबसूरत शिल्प का और एक कहीं कथानक का। मैं दो छोटे अच्छा चलिए एक ही पढ़िए। मेरे लिए ये सब बातें अलग है ही नहीं, कहाँ शिल्प है कहाँ कथानक में जानती है, आलोचक वगैरह बता सकते हैं। मैं जो हूँ आपने चूंकि उसका जिक्र किया मैं वही हिस्सा पढ़ूंगी। आपने थोड़ा सा बताया अभी कि ये माँ कमरे में संयुक्त परिवार है और वो कमरे में पड़ी रहती है बिस्तर में और निकलती नहीं है, उठती नहीं है, और सब लोग इससे बहुत परेशान थे कि माँ को कैसे फिर से जीवन में लौटाया जाए, और वो उनको तरह तरह से लुभाने की कोशिश करते हैं कि माँ आ जाओ उठो धूप खिली है आ जाओ आ जाओ, और माँ नहीं उठती है। तो उसका मैं बस एक छोटा सा टुकड़ा पढ़ देती हूँ शायद 2 मिनट। नहीं मैं नहीं उठूंगी, गठरी लिहाफ में ढुकी बुदबुदा देती, नहीं अब तो मैं नहीं उठूंगी। इस वाक्य ने उन्हें हिला दिया और बच्चे और जिद करने लगे, वे डर जो गए, हाय उनकी अम्मा, पापा गए और उसे भी ले गए। सोती मत रहिए उठिए, सोती रहती है पड़ी रहती है आंखें मूंदे पीट करके काना बोसी चलती, पापा थे तो हरदम उनकी देख रेख में फुर्ती थी मुस्तैद, लाख थकन हो तो भी, और अब कि नहीं उठना मुझे, जैसे पापा ही जीने का मकसद थे, गए तो गया,
नहीं अम्मा नहीं, बच्चे हट करने लगे। बाहर देखो धूप खिली है, उठो उठाओ छड़ी लगी है, चूड़ा खाओ मटर पड़ी है, पेट बाहर है राई पकाओ। नहीं मैं नहीं नहीं नहीं, माँ कुनमुना जाती। थकी बेचारी अकेली हारी, उसे उठाओ उलझाओ उसका मन लगाओ। अकूत दया उनमें गंगा जी की तरह बहती और माँ की पीठ पर लहर जाती। अब नहीं माँ चीखना चाहती, उसका मरा भरा स्वर निकलता। क्या माँ ने सोचा होगा कि उसे जिलाने की बच्चों की कोशिश उसे दीवार में घुसा रही है? क्या ऐसा था? कमरे की तरफ पदचाप आती और वो पीट कर लेती, दीवार में सटने लगती, मरती जाती। आंख नाक बंद, कान ठप, मुंह सिला, मन सुन, अरमान नदारत, पखेरू उड़ उड़। पर बच्चे भी ढीठ जुटे रहते, पीठ पर आंख नाक कान उगा दे कैसे? बाटी बघार दस्त की कहकर वही किचकिच कचाया, वही चूल्हा लकड़ी आटा, नहीं नहीं वो तो राती जाती। किसी षड्यंत्र के तहत नहीं बल्कि यंत्र की तरह उबा हुआ यंत्र, अफरा हुआ तंत्र, किसी चीज में अपने को सर्फ न करने की काहिली में वो फिर बे ऊर्जा बुदबुदाती, नहीं 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 अब नहीं उठूंगी। चंद शब्द जिनमें बच्चे घबरा रहे थे, माँ मर रही थी। शब्द शब्द होते क्या है जी? ध्वनि, जिसमें वे अपने मतलब झुला देते हैं, जिनका कोई प्रमाण नहीं होता, अपनी राह निकल लेते हैं, मरते तन और मन के अवसाद से उपजे अपने मतलब का उलट मतलब पकड़ लेते हैं। बोया बीज खजूर का, खिला वहां गुड़हल, अपने ही संतंगल, अपने ही खेल में रत। अभी नहीं उठूंगी के डर और मर से कौन खेल रहा था? यांत्रिक ये शब्द तांत्रिक हो चले और माँ कह हो रही थी, पर वो था कुछ और या हो गया इच्छा या बेमकसद लीला। नहीं नहीं मैं नहीं उठूंगी, अब तो मैं नहीं उठूंगी, अब तो मैं नहीं उठूंगी, अब तो मैं नहीं उठूंगी, अब मैं उठूंगी, अब तो मैं नई ही उठूंगी। अब कुछ प्रश्न आमंत्रित हैं, यदि आपको कोई इच्छा हो पूछने की। हाँ आप यहाँ आइए, आपका स्वागत है। दो क्वेश्चन मेरा है। एक, आप बोली जब आप लिखती हैं तो कुछ नहीं सोचती हैं, कहानी बनती है चाहे जो भी, तो आखिर जब भी आप कोई रचना शुरू करती हैं उसके पहले कुछ तो सोचती होंगी कि हमें इस पर लिखना है, एक बात। दूसरी बात, आपकी जो रेत समाधि है, जो महिलाएं भी जो भी इच्छा होती है सब रेत के नीचे चली आती है, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? अभी हाल में एक कहानी सच्ची घटना है चंडीगढ़ में। एक महिला 90 वर्ष की हो गई, उसके हस्बैंड ट्रिप कर गए तो चंडीगढ़ बेटी के पास आ गई, तो बेटी को लगा, आप लोग भी पढ़ी होंगी। हाँ, पढ़ी हुआ। तो बेटी को लगा कि माँ की कोई इच्छा होगी पूछ लेते हैं, कोई तीर्थ करेगी ये करेगी, तो वो बोली नहीं बेटी मैं अर्न करना चाहती हूँ, मैं कमाना चाहती हूँ। अब उसको लगा कि अब 90 साल है, पैसा कमाने की बात नहीं है, उसकी तभी इच्छा होगी हम भी कुछ करें। तो अब इस उम्र में तुम क्या करोगी माँ, तुम तो कुछ काम भी नहीं कर सकती, मैं बेसन के लड्डू बना सकती हूँ। खैर कहाँ बहुत आगे चली जाती है बात, इस उम्र में आए तो स्टार्टअप की, लेकिन यदि यदि उसको समय रहते उसको ये मिलता, आज़ादी मिलती, मौका मिलता, आज एक एम्पावरमेंट की जो बात है वो भी होती है, उससे बहुत लोगों को मतलब फायदा होता इसका, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? जो महिला की स्थिति है उसके लिए समाज जिम्मेदार है या कौन है? और हम लगता है कि जो साहित्यिक सोच रखते हैं, आप बोलती है मैं कुछ नहीं इस पर मैं लिखते जाती हूँ, हमको लगता है कि ये थोड़ी थोड़ी जवाबदेही आप लोगों की भी होनी चाहिए, जो लोगों में इस तरह का भावना है। मैं आपके आखिरी वाक्य को सुन के थोड़ा भयभीत हो जाती हूँ कि होना चाहिए, ये बड़ी मुश्किल चीज है। मैडम इंडिविजुअल नहीं, हाँ लेकिन हम सबको होना चाहिए कोई चीज, लेखक को भी दूसरों को भी। तो आप बहुत सी चीजें आपने कही, आपने सौरभ के बारे में बताया, मुझे याद आया आप जैसे जैसे ये बता रही थी मुझे याद आया, शायद हाल में ही केरल में भी ऐसा कुछ हुआ है कि एक
90 की ऐसी किसी उम्र की, उसने पता नहीं हाई स्कूल पास किया या तो इच्छा कभी नहीं मरती, जिंदगी कभी नहीं, जब तक आप जिंदा हैं आपके अंदर जीने की इच्छा है, जिजीविषा है, और वो बहुत खूबसूरत चीज है। तो ये सब हमको प्रेरित करती है। अब मैंने कहा कि तो मतलब आप कह रही कि अच्छा कौन इसके लिए जिम्मेदार है, बहुत चीजें जिम्मेदार हैं इसमें, मैं क्या आपको मैं इसका विश्लेषण यहाँ पे नहीं कर सकती, पर समाज जो हमारी व्यवस्था है, जो हमारी सोच है, बहुत चीजें, सबको कहाँ अवसर कहाँ मिलता है, जीवन किन किन चीजों में लोगों को थोप देता है कि वो उसी में हंसे रह जाते हैं। औरतों की तो ऐसी निरी कहानियां हैं कि क्या कर रही थी, बच्चों में लग गई, वो सब भी जरूरी है, बच्चे हैं तो फिर बच्चों को भी आपको उसी तरह तवज्जो देनी है, लेकिन बहुत चीजें रह भी गई वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसमें तो पूरा एक जंजाल है जिसमें सब फंसते हैं, उसी में से लोग रास्ते निकालते हैं, हम सब आधे अधूरे भी रह जाते हैं, ये तो चलता रहता है सिलसिला। तो इसका तो मैं इससे ज्यादा नहीं कहूँगी। मेरी बात कि मैं क्या सोच के, कि मैं कुछ सोच के नहीं लिखती, इसको ये ना सोचिए कि मैं ब्लैंक बैठी हूँ। मैं एक नागरिक हूँ, उम्मीद करती हूँ कि मेरे अंदर संवेदना है, मैं सोचती हूँ। इसमें मैं लेखक को औरों से अलग, मैं ग्लोरीफाई नहीं करना पसंद करती, पता नहीं अगर अल्लाह जीना ने ऐसा किया है कि मुझको कोई खास एक जीन दे के भेजा है तो मुझे नहीं मानती, या ये कि कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हैं कि मैंने अपनी अभिव्यक्ति के लिए लिखना चुन लिया, किसी और ने अपनी अभिव्यक्ति के लिए कुछ और चुन लिया, कुछ कहीं पे मामला फिट हो गया कि हाँ इसमें मजा आ रहा है, हम यही करते रहेंगे। कैसे हुआ मैं नहीं जानती, पर मैंने लिखना चुन लिया, या मैं कभी कभी कहती हूँ लिखने ने मुझको चुन लिया और अच्छा बुरा मैं करती हूँ। तो अब एक सचेत संवेदनशील इंसान मैं जरूर होने की कोशिश करती हूँ। जब मैं वो होती हूँ तो मेरे भीतर मेरा जो जहन है वो भी तो कुछ बन रहा है। तो जब मैं अपने को एक ऐसी जगह में लाके साधना में या समाधि में चली जाना चाहती हूँ जहाँ पे ये जो मेरे भीतर सब कुछ जो मेरे चारों ओर हो रहा है उसको लेकर जो उद्वेलन है, जो छेड़छाड़ है, जो परेशानियाँ हैं, वो यहाँ पर मुझे प्रेरित करें और कुछ। तो ये नहीं है कि मेरे अंदर कुछ है ही नहीं और मैं सोच नहीं रही हूँ, मैं बहुत चीज़ों के बारे में सोच रही हूँ, मैं दुख के बारे में सोच रही हूँ, सुख के बारे में, दुनिया में जो गड़बड़ हो रहा है उसके बारे में भी सोच रही हूँ, और चाहती हूँ कि इन सब को लेकर कुछ अपने जीवन को भी बेहतर कर पाऊँ, अगर औरों के भी जीवन को बेहतर कर सकती हूँ तो करूँ। तो ये मेरी एक समझिए कि इस तरह से मेरा जहन गढ़ा हुआ है, पर एजेंडा नहीं है, मैं एक्टिविस्ट नहीं हूँ, वो मेरा एजेंडा नहीं है। तो मैं उस तौर पे मैं कह रही थी कि मैं अपने को खाली बैठाना चाहती हूँ कि फिर ये चीजें जो घूम रही हैं वो अपने आप आएंगी और शुरू होंगी। तो ये मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही मैं खाली हूँ और वही कोई एक शक्ति है जो आके मेरा हाथ पकड़ के और ले सकते हैं। बिल्कुल इतने ज्यादा आपने कहा है कि किसी के मन में कोई बहुत कुछ सुना, जैसे कि वो सवाल एक आ रहे थे कि बार बार होता है हम लोग भी लिखते पढ़ते हैं तो एक सवाल हमेशा आता है कि ऐसा होना चाहिए कि
ये हो सकता था, इसका एंड ऐसे भी हो सकता था, इसे आप ऐसे भी सोच सकते थे, ऐसा क्यों नहीं सोचा आपने? तो दरअसल ये एक फिक्र है हर लेखक की, लेखिका की, और वो एक्चुअली राइटिंग क्या है, ये एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, जिसको हम उर्दू में शऊर की रोगी कहते हैं, कि एक हॉल है, कहीं कोई चीज कौनती है, कहीं कोई चीज परेशान करती है, जैसा कि गीतांजलि जी ने बताया कि कई कई ऐसे विषय रहे हैं हमारे सामने जिसे बहुत बहुत परेशान किए, तीन तीन महीने तक जंगलों में रहना, आखिर कौन सा जुनून है, कौन सा दीवाना बन गए, कि वो कोई ऐसा जुनून था जो एक अकेले एक तन्हा औरत किसी एक विषय को लेकर के वक्त को गुजरते हुए देख रही है, वक्त के साथ साथ चल रही है, तो आखिर क्या चीज था, कौन सा जुनून था? किसी ने भी प्रश्न किया कि आप क्या सोचते हैं, ऐसा क्या नहीं हो सकता था? कौन जाके जंगलों में जाके बैठकर सोच रहा है? एक औरत सोच रही है, आप भी सोच सकती हैं, आप भी सोच सकती हैं और लोग भी सोच सकते हैं। तो दरअसल उसकी भूमिका बहुत बड़ी होती है, उसकी जिम्मेदारी भी शायद उतनी बड़ी नहीं होती जितनी आप सोच रहे हैं। इसलिए एक बात हमें बहुत अच्छी लगी कि यहां तक लेखक का अपना संसार है तो उसमें सबसे अच्छी बात यह होनी चाहिए मेरे विचार से, खास तौर पर जो रचनात्मक लेखन, कि आप उसके साथ चले। मैक्सिम गोर्की की मां अलग है और आत्मा अलग है, लेकिन भावात्मक स्तर पर अगर देखिएगा तो दोनों माए एक ही, एक जैसी है, यानी एक अजीब दर्द का रिश्ता है सारी दुनिया से, कहीं वो जलता मकान अपना घर लगे रहती है, फिक्र तो आपकी अपनी है, आप अपने तौर पर उसको सोच सकती हैं। एक बात नहीं आएगी गीतांजलि जी की, खासतौर पर ये हमने देखा कि थिएटर से आपका बड़ा गहरा रिश्ता रहा, थिएटर का जिक्र भी बार बार आता है आपके द्वारा, बल्कि अभी आप जब पढ़ रही थी तो कोई जो थिएटर से जुड़ा हुआ आदमी वही उस तरह से पढ़ सकता है, वही स्ट्रेस कर सकता है, कहाँ शब्द किस तरह से बोलते हैं वो वही कर सकता है। तो आप ये बताएं हमें कि क्योंकि यहाँ भी आपने थिएटर देखा हिंदुस्तान में भी और बाहर के मुल्कों में भी, तो यहाँ क्या फ्यूचर आपको लगता है, क्योंकि आप उसके साथ खसूसी तौर पर जुड़ी हुई रही हैं, कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है कि क्या थिएटर का कोई करियर बाबा तौर पर हिंदुस्तान में है या नहीं? मैं कोई बहुत ज्यादा इसके अपने को इस पर कोई बहुत एक्सपर्टीज से तो नहीं आपसे कह सकती हूँ, एक चलते फिरते थोड़ा मैंने भी किया है, थोड़ा वहां देखा भी है, थोड़ा यहाँ भी देखा है। थिएटर का बहुत चीजों से जुड़ा हुआ है, थिएटर का भविष्य अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब मैं कंपेयर और कंट्रास्ट नहीं कर पाऊंगी। मुझे लगता है यहाँ भी कुछ चीजें अच्छी हो रही हैं, और उसमें मैं सिर्फ हिंदी की बात क्यों करूँ, मैं पूरे हिंदुस्तान को अगर लीजिए तो जगह जगह हो रहा है, मतलब कर्नाटका में जो थिएटर हो रहा है, केरला में जो हो रहा है, हिंदी बेल्ट में जो हो रहा है, मैं सबको एक को मानूंगी कि हिंदुस्तान में हो रहा है, और मैं समझती हूँ कि कुछ चीजें हो रही हैं। और जो हिंदी का मेरा तजुर्बा है वो ज्यादातर दिल्ली का ही है, दिल्ली में इत्तेफाक से जिन निर्देशकों के साथ मैंने काम किया है उनमें एक के साथ तो बहुत किया है अनुराधा कपूर अगर आप जाते हैं तो, और एक तो और जिनके संग किया वो भी औरतें हैं, तो एक तो औरतें बहुत काम कर रही और मुझे लगता है कि वो एक दूसरा अंदाज एक दूसरे उसमें दृष्टि ला रही है, तो कोलैबोरेशन उनके काम में जिस तरह है मुझे लगता है आदमी जिस तरह बना है अभी तक शायद वो कोलैबोरेट कर ही नहीं सकते, अच्छे अच्छे नहीं जानते कोलैबोरेट करना, उनमें ईगो ज्यादा होता है। तो बहुत ही कोलैबोरेटिव एफर्ट्स हैं और चीजें तरह तरह की हो रही है, मुझे लगता है ये नीलम मानसिंह है और अनुराधा कपूर है, माया राव है, मैं बहुत इन लोगों के थिएटर को पसंद करती हूँ। पर अब जो इस पर खतरे मंडरा रहे हैं वो दूसरे कारणों से है ना, फिल्मों का पता नहीं, ये जो टेलीविजन मीडियम है ये सब का, इसमें किसी भी तरह की इकोनॉमिक एक बैक वो सपोर्ट नहीं है, एक कोई फंडिंग के कोई अच्छे सोर्सेज नहीं है, तो इन सब कारणों से वो काफी अपने इधर उधर किसी तरह से अपना रास्ता बनाता है, अपनी जगह थोड़ी बहुत बचा के रखे हुए, तो ये सब खतरे हैं।
लेकिन बस बुरा ही होने जा रहा है, मुझे लगता नहीं, मुझे लगता है कि अभी चलेगा, उम्मीद तो यही है। हिंदी वाले तो नहीं, अंग्रेजी के आप हिंदी में भी लिखते हैं, आप इंग्लिश में भी लिखते हैं, सो योर वेरी फेमस जो किताब है माई, उसको व्हाई डिड यू चूज टू ट्रांसलेट? यूजुअली यू नो द फेमस नॉवेल्स इन इंग्लिश उनको हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है, यहाँ पे देयर इज दिस यूनिक थिंग कि नो बट यू नीड ट्रांसलेट इट, इट वाज ट्रांसलेटेड बाय समवन एल्स, ऐसे नहीं आप खुद ला रहे हैं, इसलिए कि मेरे अंदर भी बहुत वैनिटी है, एक वैनिटी होती है कि मेरी चीज मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता तो मैं नहीं करूँ, वो वैनिटी नहीं है मुझे, मेरे अंदर ये वैनिटी है कि मैं असल में तो लेखक हूँ, मैं ट्रांसलेशन क्यों करूँ, मैं एक और चीज़ लिखूँ। आप हिंदी में पढ़िए, आई सजेस्ट यू टू रीड इन हिंदी, अंग्रेजी आपके लिए अंग्रेजी नहीं, आप भाई हिंदी में पढ़िए, एंड यू इट्स अ वंडरफुल ब्यूटीफुल बुक, अपने टाइम को आप वो अच्छे से यूज करना चाहती हूँ, ये बात और किताब लिखूंगी मैं, उस किताब को क्यों दर्जी, हाँ बिल्कुल। तो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया गीताजी जी, आपकी बातें सुन के बहुआयामी ये आपको सुनना जो रहा, बहुत सारे पक्षों पर बात हुई, और हम पटना वासी चाहेंगे कि आप बार बार कोई ना कोई बहाना ऐसा खूबसूरत बहाना बने कि हम आपको फिर से सुने और सुने, बहुत बहुत धन्यवाद गीताजी जी, एंड भावना शेखर, और इस श्रृंखला के अंत में हम अपने मीडिया पार्टनर दैनिक जागरण, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर होटल चाणक्य एंड श्री सिमेंट, जिनके एसोसिएशन से वी कैन ऑर्गेनाइज दिस सेशन, उन्हें धन्यवाद कहना चाहेंगे, और अब रिक्वेस्ट है कासिम खुर्शीद जी से कि वो एक छोटा सा तोहफा हमारे गेस्ट हो गए, तो बात कर।